सुन ले जयराम महतो, आदिवासी होली क्यों नहीं मनाते हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? पिछले रात को होलिका दीदी किसने जलाया है आप जानते हैं? हिरण्यकश्यप की बेटी को किसने जलाया है क्या आप सब जानते हैं? ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और इस वक्त मैं आपको लाइव बता रहा हूँ दोस्तों कि पिछले रात को प्रहलाद की बहन हिरण्यकश्यप की बेटी को किसने जलाया है। और आदिवासियों को होली का त्यौहार क्यों नहीं मनाते हैं? आदिवासी होली का त्यौहार नहीं, होली का दहन नहीं करते बल्कि पहागु काटते हैं। आदिवासी पहागु काटते हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? और ये जानना आदिवासी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको लाइव बता रहा हूँ दोस्तों, आदिवासी होली का दहन नहीं करते हैं। आज की रात आप सब ने देखा होगा, हम रांची जब पिछले दिनों में यही चीज़ को मैंने रिसर्च कर रहा था दोस्तों, रात को चौक चौराहों पर कचरा इकट्ठा करके, लकड़ी इकट्ठा करके, गोबर इकट्ठा करके, तमाम जो जलावन चीज़ इकट्ठा करके आज जला दिए हैं रात को। और रात में ही क्यों जलाते हैं, क्या ये भी आप सब जानना पसंद नहीं करेंगे? रात में ही क्यों जलाते हैं होली का दान, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हम आपको लाइव बता रहे हैं दोस्तों। और आदिवासी होली का दहन नहीं जलाते हैं बल्कि पहागु काटते हैं। पहागु, जो पहागु में क्या होता है आप सबको पता है, सेमल का पेड़ होता है, केला का पेड़ होता है, उसको रोड के किनारे में गाड़ करके काट दिया जाता है। और उस काटने का सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन क्या है आप सब जानते हैं? बहुत बड़ा ज़रूरी है दोस्तों ये जाना, आज की तारीख में ये फिर से आगाह करना, फिर से लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। आदिवासी पहागु काटते हैं लेकिन बाकी आने वाले लोग होली का दहन किए हैं आज, आज की रात करके आप वही कालिक चूना पोत करके पोत को किस तरह से ड्रामा करेंगे ये आप बताना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये जानने के लिए आपको आज से कई साल पीछे जाना पड़ेगा, कई साल पीछे जाना पड़ेगा, जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद की इतिहास को जानना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ऐसे पिछड़ा जाति का आदिवासी बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। हिरण्यकश्यप अपना राज्य में, अपना गांव में, उसके घर में एक बेटी की का शादी ब्याह रात के समय में, आज की रात के समय में तय की जाती है। जब बारात जब आने लगते हैं ना दोस्तों, बारात जब आने लगते हैं रात में, होली का एक लड़की का नाम था हिरण्यकश्यप की बेटी होलिका, और उसका बेटा प्रहलाद। प्रहलाद जब उन लोगों ने देखा कि हिरण्यकश्यप को पराजित करने के लिए उनके विरोध में तमाम जो राजनीति तौर से षड्यंत्र रचाया गया ब्राह्मणों के द्वारा, और उन्हीं की बेटा ने, जो सात ब्राह्मण के बेटे थे, उन लोगों को मिलकर के आज की रात में उनको बलात्कार कर दिया गया, बलात्कार किया। और जब बलात्कार करने के बाद उनको रात में ही जला दिया गया है, जला दिया गया है। जलाने के बाद क्या होता है आप सब जानते हैं, और ये बात मैं आप सबको इतना ही बताऊँगा, अगर मैं सच बोल दूंगा तो फिर विश्राम के ऊपर में जो कुछ होगा ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। ये जानने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों कि प्रहलाद का बहन होलिका और उसका पिता हिरण्यकश्यप को पराजित करने के लिए उसके विरोधियों ने कई तरह की षड्यंत्र, कई तरह की जाल बिछाने का काम किए थे उस समय में। जब प्रहलाद को नशेड़ी, गंजेड़ी, पियंकड़ बनाने के लिए उनके विरोध विपक्ष, खास तौर पर मैंने आपको कहा, उन लोगों ने सुसंयोजित तरीका से षड्यंत्र रचाया कि कल की तारीख में प्रहलाद को कोई किसी तरह का राजा घोषित ना कर सके, यही उन लोगों का सबसे बड़ा सुसंयोजित तरीका था। और वही लोग जब हिरण्यकश्यप आज की रात में उनकी शादी होनी होती है, तय होनी होती है आज की रात में, आज से शादी बारात आनी है, जब बारात आ गई है तब होलिका को ये मालूम पता चल रहा है कि आज मैं इस घर से मैं विदा हो जाऊंगी और मैं अपना भाई को खाना नहीं दे पाऊंगी, आज के बाद मैं अपने हाथों से खिला नहीं पाऊंगी, ये सोच करके होलिका अपने भाई, जब उसके साथ में तो झगड़ा हो जाता है अपना पिता के साथ, तो यही देख करके चुपके से खाना लेने जाती है होलिका दहन। होलिका एक, आपको नाम होलिका, ये कोई अन्य कोई पर्व त्यौहार नहीं है, ये होलिका एक जनजातीय नाम है। जब रात में जब जाती है चुपके से खाना लेके जाती है, खाना इसलिए लेके जाती है क्योंकि आज मेरा विदाई होगी, आज मेरी सगाई होगी, आज हम यहाँ से जाएंगे तो कोई आखिरी दिन हम उसे अपने हाथों से खाना खिला के चले जाएंगे, ये सोच करके जाती है। जब उसके विपक्ष वहाँ पर ताक लगाए बैठते हैं,
ताक लगाए बैठते हैं जब ये देख करके कि हाँ होली का दहन जब खाना लेने जाती है दोस्तों, तो उन लोगों ने उनको बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद उनको जला देते हैं। और जला देने के बाद क्या करते हैं जानते हैं? जला देने के बाद जब ये बात जब हिरण्यकश्यप राजा को जब ये मालूम चल जाता है दोस्तों, हिरण्यकश्यप राजा को जब पता चल जाता है वो क्या कहते हैं जानते हैं? ये बात समझ में आता है कि प्रहलाद को अगवा करके हमारी बहन को जला, हमारी बेटी को जलाया, ये बात सब सामने आ जाती है। सच जब उनको पता चल जाता है तो उनको काली चूना पोत कर, गोबर तमाम तरह की जो काली पोत कर उसको रोड में घुमाया जाता है, अपने चौक चौराम पर गांव में घुमाया जाता है प्रहलाद को। और उसने अपना तलवार से यहीं पर लीक करके कहता है कि तू मेरा वीर बेटा नहीं है, तू कभी भी वीर पैदा नहीं हो सकता है, ये उनको कहता है और उनको गांव में घुमाया जाता है। लेकिन एक चीज़ आप सबको याद होगा, ये भी आदिवासी पिछले दिनों में भी जब मैं गांव से आ रहा था ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि काली चूना पोत करके आदिवासी लोग गांव में घूमते हैं, रोड पे घूमते हैं, ये हमें बहुत अजीब लगा। लेकिन दोस्तों और यही चीज़, यही सुसायोजित तरीका अन्य लोगों पर, यही चीज़ अन्य लोगों पर, दलित जनजातियों पर, पिछड़े जातियों पर, यही प्रोग्राम को इन लोगों ने थोप दिया है। और आज की तारीख में भी अगर आप किसी भी आदिवासी को इस तरह का अगर आप देखोगे अगर उनको अगर आप पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो सच्चाई यही है। और बाद में जब सबसे बड़ा इन लोगों ने किया, क्योंकि प्रहलाद को सबसे बड़े भक्त बनाया, लेकिन सबसे बड़ा भक्त नहीं था, लेकिन प्रहलाद को आज की तारीख में भक्त का पाठ पढ़ाया जाता है, सच्चाई यही है। और आज रात होली का दहन को जला दिया जाता है और आज सुबह उसको कलिक पोत करके, चूना पोत करके गांव में घुमाया गया है। और यही इतिहास आज की तारीख में लोगों को होली का दहन के रूप में रात को जलाते हैं, होलिका को जलाते हैं, अर्थात हिरण्यकश्यप की बेटी को जलाते हैं, प्रहलाद की बहन को जलाते हैं। और यही आदिवासी लोगों ने कमेंटमेंट किया दोस्तों, यही आदिवासी लोगों ने जब जान के करके करके कमेंटमेंट किया तो रोड के किनारे में एक हमारे मुंडारी भाषा में कोबा साहब बोलते हैं, कोबा जो पहाड़ से लेके आते हैं साल वृक्ष का कुंभा लेके आते हैं, या फिर केला का पौधा, केला जो बड़ा वाला लगाते हैं, या फिर सेमल का पौधा लगाते हैं, सेमल का कंबा जैसा जो कोतो हमारे मुंडारी शब्द में कहते हैं, कोतो को लगाते हैं और वही काट करके ये कमेंटमेंट करते हैं दोस्तों कि हमारे बहन बेटी के साथ जो भी इस तरह का हरकत करेगा हम इसी तरह ही काटेंगे, ये कमेंटमेंट करते हैं। उसी दिन से पगुआ मनाए जाते हैं आदिवासी लोगों में, पगुआ उसी दिन से ये कमेंटमेंट करते हैं दोस्तों कि आज के बाद अगर हमारे बहन बेटी के साथ इस तरह का अगर कोई भी अन्य लोग अगर व्यवहार करेगा तो हम ऐसा ही काट देंगे, इस तरह का कमेंटमेंट करते हैं पगुआ में आदिवासी। और यही पगुआ का सबसे बड़ा, और बाकी सारे लोग बोलते हैं कि पागुआ का मतलब आप नहीं समझ पाते हैं आदिवासी लोग, लेकिन कमेंटमेंट करने का मतलब यही था कि हम और कोई भी हमारे बहन बेटी के साथ इस तरह का अगर व्यवहार करेगा तो हम उनको ऐसा ही काटेंगे। यदि आप अभी भी जाओगे देखो हमारे ग्रामीण इलाके में या फिर कोई भी आदिवासी जनजाति इलाके में अगर आप जाओगे पागुआ को किस तरह से काटते हैं, वैसा ही उस वक्त भी उस पर कमेंटमेंट किया गया है कि ऐसा ही आज के बाद अगर हमारे बहन बेटी के साथ अगर कोई बलात्कार करेगा तो ऐसा ही हम उनको काट डालेंगे, यही कमेंटमेंट किया था, ये कमेंटमेंट है। लेकिन वही चीज़ जब सुसायोजित तरीका से इस तरह का तमाम प्रोग्राम आदिवासी पिछड़ों पर थोप दिया गया है, जाओ अब तुम लोग ऐसा करो, लेकिन हमारे लोग इस बात को सच्चाई नहीं मानेंगे, हमारे लोग को इस बात का खोजने की छानबीन करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैंने आप सबको पिछले दिनों में भी कहा था कि उनकी सारी विधि विधान से धर्म भ्रष्ट कर दिया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है। लेकिन सच्चाई यही है आज की तारीख में भी, और अभी भी अगर आप देखोगे ना, जहां अभी भी वो जल रही है, जो घास फूस जो जल रही है, जो लकड़ी जो जल रही है, वहां भी अभी भी अगर आप जाओगे वही रख से, हमारे मुंडारी में तोरोए बोलते हैं, वही तोरोए थे कोने को टिक्का ना कोने थे ऐसा यहाँ पे टिक्का लगाते हैं अभी भी। और टीका का मतलब यही है दोस्तों, जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप अपने तलवार से इसी पर लिख दिया जाता है कि तू अब वीर है, अतः तू कभी वीर नहीं बन सकता, इसलिए अपने घर से प्रहलाद को निकाल दिया, ये सच्चाई है। लेकिन आज की तारीख में ये लोगों को कभी अचंभित लगेगा और लोगों को शायद विश्राम बेवकूफ बोल रहा है, विश्राम झूठा कहता है, विश्राम मैं अपने फॉलोअर्स को कभी झूठा नहीं कहता, और ये वीडियो मैं फेसबुक से अर्निंग नहीं करता हूँ, YouTube से मैं अर्निंग नहीं करता, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा पिछले हमारे अन्य
हमारे लोगों ने इस तरह का बातें को सरना करने की वजह से आज हम 75 साल पीछे दूसरों की ढोंग हम ढोते रहे हैं। यह हमारे दुर्भाग्य है। और जो कुछ मैं आपको सच्चाई बताया दोस्तों, लाइव में आपके साथ चर्चा करने की प्रयास किया हूं, यही सच्चाई है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आदिवासी होली का नहीं मनाते हैं बल्कि पाखू काटते हैं। उसमें कमिटमेंट करते हैं कि जो भी हमारे बहन बेटी के साथ जो बलात्कार करने के जो पिराग से नजर दिखाएगा उसको हम इस तरह से काट डालेंगे। यही कमिटमेंट है। ये मामूली चीज़ नहीं है। और यही चीज़ आज की तारीख में हम लोग त्यौहार के रूप मानते हैं, पाहगु कहते हैं हमारे मुंडारी भाषा में। बाकी आप लोग अपने जनजाति की भाषा में क्या नाम रखे हैं ये तो हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन जो हमें पता है वही चीज़ हम बता रहे हैं। हम लोग पाहगु करते हैं, पाहगु काटते हैं, और उस वक्त ये कमेंडमेंट किया जाता है। अगर आज भी अगर आप किसी को पूछोगे कि पाहगु क्यों काटा जाता है तो कहा देगा कि, और एक चीज़ हमारे मुंडारी में, एक चीज मुंडारी में कहावत थी दोस्तों, यह भी अगर आप बड़े से बड़े बुजुर्ग से अगर आप पूछोगे तो ये बात आप सबको बता देगा कि मोयन मसूरी तेगे सात जन हगिया को होबा जाना। ये कहावत है, ये उस जमाने की कहावत थी। और यही चीज मैंने आपके साथ साझा करने की प्रयास किया हूं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? और ऐसा ही तमाम, और एक चीज, आज की तारीख में जितने भी जयराम महतो जो भी महतो जनजाति आज की आज रात में भी होली का दहन मनाया है, नहीं तो पूछो जयराम को, पूछो, ये बात पता है जयराम को, लेकिन क्या करेगा। और जिस दिन जयराम आदिवासी बन जाएंगे उस दिन अपने समाज में थोड़ तबड़ बवाल तो तब होगी। और ये बात तो जयराम को मालूम होगा, लेकिन हम तो वही बोलेंगी। और ये बात उन दोनों उन लोगों को मालूम होगा कि जब तक मैंने पिछले दिनों में भी फिर दोहराना नहीं चाहा, मैं भी पिछले दिनों में कहा था, जब तक अगर इस चीज़ का संयुक्त के आधार पर हो जाएगी तो अपने समाज में बवाल तो होगी ही। तब उस वक्त जयराम कहाँ जाएंगे? इसीलिए जयराम को भी ये समझ में आना चाहिए कि यदि आप हमारे मुंडारी में एक कहावत है दोस्तों कि दुपतन गांडू आलम दुप छबाया को मैंने, मतलब समझ जा करो कि हमें क्या कह रहा हूँ। इसीलिए जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर करने की प्रयास किया हूँ, थोड़ा जानकारी देने की प्रयास किया हूँ दोस्तों, यही सच है। और आदिवासी होली नहीं मनाते हैं बल्कि पाहगु मनाते हैं। पगुआ भाषा कई तरह की होता है, लेकिन कई लोग पगुआ बोलते हैं, कई लोग पाहगु बोलते हैं। भाषा की अलग अलग भूभाग में अलग अलग भौगोलिक स्थिति में रहने की वजह से अलग अलग भाषा है। और आदिवासियों का कोई एक भाषा नहीं हो सकती है, और कोई एक भाषा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि झारखंड में अगर यदि आपको धारणा है तो झारखंड की सारी भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, तमाम जो रीति रिवाज को समझना पड़ेगा। यदि आप लोगों में से अगर आप कोई भी स्टडी करके रखे हैं तो मेरे साथ डाइवर्ट करने के लिए बैठिए, मैं झारखंड की सारी इतिहास ढांचा दिशा को मैं बताने की प्रयास करूंगा। बाकी सब आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं। इस वीडियो को यदि आप थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।